अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और करंट अफेयर्स से सोचा आपसे थोड़ी अलग सलग कर लें, जहाँ पे बहुत सारी पाबंदियाँ पाकिस्तान में हैं, इजहार राय पे भी हैं और राइट टू असेंबली पे भी हैं और बहुत सारी और पाबंदियाँ। तो वहीं पे एक पाबंदी जो अभी तक इतनी सख्त नहीं है वो ये है कि हम थ्रू सोशल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अफेयर्स तो रोज बहुत सारे होते हैं, बदलती सूरत हाल हर लम्हा हर घंटे, पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल और रूल ऑफ लॉ का सिनारियो, कभी कुछ होता है कभी कुछ हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबल पाकिस्तान है। और वैसे ही साथ में हमारे एम्स भी हैं, हमारी जिंदगियां भी हैं, सारी बात है, कॉमन मैन की लाइफ पर इसका असर होता है। लेकिन 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड एक और मसला है और वो ये है कि इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी, दुनिया के पीस को, अमन को खतरा है। हमास ने हमला कर दिया इसराइल पर गजा से और कहा जाता है जी क्या सब कुछ ठीक चल रहा था तो क्यों जरूरत पड़ी हमास को। ठीक कुछ नहीं चल रहा था, वहां रोज माओ की गोदें उजड़ रही थी, लोग मर रहे थे और उनको उधर स्क्वीज किया जा रहा था गजा की पट्टी में। जब उसे कहते हैं ना गजा स्ट्राइप, तो एक पट्टी नुमा थोड़ा सा इलाका है जो तीन तरफ से घिरा हुआ है इसराइल में, और एक तरफ से उसको जो है वो इजिप्शियन बॉर्डर लगता है, और इजिप्शियन बॉर्डर भी कोई मुस्लिम कंट्रीज को आप ना समझे, वहां पे भी ऑपरेशनल रिजीम चेंज हो चुका है और मकबूल लीडर को कब्र में उतारा जा चुका है, और वहां पे भी बस कठपुतली हुकूमत है जिसकी डोरियां कहीं और से हिलती है। तो उसके बाद इंटरनेशनल सिनेरियो भी बहुत ज्यादा चेंज है, हम लोगों ने क्या करना था, क्या नहीं किया, क्या आप भी कर सकते हैं, हुकूमत के बगैर आवाम कुछ कर सकती है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भैया मोहम्मद इशफाक हैं जो जर्नलिस्ट हैं, और उनसे इस चीज के बारे में राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरी क्या ठीक है? सर अल्लाह पाक का। अच्छा, सबसे पहले आज चुके बात हमने शुरू किया है तो काइंडली ये बताइएगा 7 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था जो नहीं किया। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था ये तो एक अलग बात है, लेकिन मजमूई तौर पे अगर हम ये कहें कि जो इस्लामी दुनिया है उसको क्या करना चाहिए था, क्या उसने वो किया है। अब देखें 55 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं और इनमें 22 अरब ममालिक हैं जो इसराइल के और फलस्तीन के कुर्ब जवार में बसते हैं। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 2 अरब के करीब जो मुसलमान आबादी है, ये इतनी बड़ी दौलत ताकत पेट्रोल एटमी कुव्वत होने के बावजूद, बड़े बड़ी बड़ी फोर्सेस होने के बावजूद, हाँ वो जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हमें यूं महसूस होता है कि ईरान कर रहा है। और आपने देखा होगा जैसे शुरू में आपने कहा कि अजीब सूरत हाल है कि ये कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक जैसे आपने कहा नहीं था चल रहा। सब कुछ ठीक चल रहा होता तो ये जो हमास है इसका वजूद क्यों होता? मतलब इसराइल पहले एक अटेम्प्ट करता है, उसके जवाब में फिर मुजामदी फोर्सेस जो हैं वो आती हैं। अगर हम मजबूरी तौर पर देखें ना तो इस वक्त अगर पिछले 23 सालों में अगर हम सिर्फ बात करें 2001 से लेकर और 7 अक्टूबर से पहले तक, तो तकरीबन 36,000 के करीब जो है रॉकेट है ना वो फायर किए गए थे हमास की तरफ से। और इन 36,000 रॉकेट फायर करने के बाद अगर हम मजमूई तौर पर इसराइली देखें तो वो 169 इसराइली इस 36,000 रॉकेट्स के फायर करने के बाद मारे गए थे। उनमें भी 4 फलस्तीनी बच्चे शामिल हैं जो पता नहीं किस वजह से दूसरी जगह गए हुए थे, जो उसमें शहीद हो गए। और दूसरा फलस्तीनियों की इसराइलियों की अगर बात करें तो उसमें 5 मुसलमान थे जो थे इसराइली लेकिन थे मुसलमान। तो ये मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 160 के करीब अफराद पिछले 21 साल में जो है वो मारे गए थे हमास के हमलों की वजह से, लेकिन हजारों की तादाद में मुसलमान हैं जो गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में मारे गए। इस दफा क्यों हमास को इतनी शदीद तनकीद का सामना है, उसकी वजह यह है कि अब तक 1,000 के करीब इसराइली मारे जा चुके हैं। अब तो सूरत आ रही है कि लोग तस्लीम करना शुरू हो गए हैं, खुद इसराइल ये तस्लीम कर रहा है। पहले उसने गुज़िश्ता रात की अगर हम बात करें तो उसने कहा 9 बंदे जो हैं वो उनके मारे गए हैं, फौजी मारे गए हैं, फिर उसने कहा नहीं 11 मारे गए हैं, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि 329 हमारे जवान हैं जो इसराइली फौजी हैं उनके घर वालों को हमने बता दिया है कि आपके बच्चे काम आ चुके हैं। जमीनी हमला जिसका बड़ा डराव दिया जा रहा था वो किया है, तो हो ये रहा है कि बहुत शिद्दत के साथ उसको मार पड़ रही है। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उल्टा इसके जो मतलब उस्मा के हमास का साथ देने के मसला ये है कि हमास को और ईरान को ही तनकीद किया जा रहा है।
चले मैं मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि यमन ने कल उनका जो सिपह सलार है, जनरल है उनका, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लें, उसे तो कल कहा है कि हम जो है ऐलान कर रहे हैं हमास का साथ देने का, और उसने साथ का जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं हमास की तरफ से, उनका भी बैलिस्टिक मिसाइल तो खैर उनके पास नहीं है वैसे, उन मिसाइल्स का भी साथ दे रहे हैं और जिहाद का ऐलान करते हैं। आप इस बयान को, मैं तो सिर्फ इसको बयान ही समझ रही हूँ, मैं इससे ज्यादा इसको अहमियत नहीं दे रही। आपको लगता है ये बयान के अलावा कोई अमली कदम भी होगा? देखें, बुनियादी तौर पे यमन और इसराइल की अगर हम बात करें ना, तो कुछ 2000 के करीब किलोमीटर के करीब उनका फासला है। अब दरमियान में जो ममालिक आते हैं, उर्दन है, सऊदी अरब है, अगर क्या ये अपनी फिजा को इस्तेमाल करने देते हैं अटैक के सिलसिले में, ये अलग बात है। मैं बल्कि वो ट्विटर पर ही देख रहा था कि एक उर्दन की तरफ से जो मिसाइल उड़ाया गया था यमन की तरफ से इसराइल के लिए, वो उर्दन ने मार गिराया है। तो ये अगर अफसोसनाक सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी, तो ये बयान एक तरह से शायद अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई मददगार ना हो सके, लेकिन हाँ, एक इस्लामिक मुल्क होने की वजह से अगर वो इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करता है, तो उसके असरात होंगे, और सिर्फ उसके असरात नहीं होंगे, फिर सऊदी अरब पर भी प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि एक मिसाइल जो यमन से उड़ता है और जाकर उसका नुकता नजर यह है कि वो फलस्तीनियों की मदद के लिए जा रहा है, और जब उसको सऊदी अरब रुकेगा, तो फिर सऊदी अरब को अपनी आवाम को भी जवाब देना होगा। तो ये इसको अगर ये कहें कि एक ठंडी हवा का झोंका, तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे मुझे यूं लगता है कि हमास ये जहन में रख के कि उन्हें किसी किस्म की मदद अपने हमसाया अरब ममालिक की तरफ से या मुसलमान ममालिक की तरफ से मिलेगी, उन्होंने ये सारा प्लान किया है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप ये देखें कि टोटल ये जो गजा की पट्टी है 12 किलोमीटर और 12 बाई 42 किलोमीटर की ये छोटी सी पट्टी है, 20 लाख के करीब इसकी आबादी है। अब इतनी आबादी में इसराइल का इतना जासूसी का निजाम होने के बावजूद उनको ये खबर ना हो सकी कि इतना बड़ा प्लान हमास कर रही है। और फिर सवाल ये है कि समंदर के ऊपर तो इख्तियार सारा इसराइल का है, उसके बाद फिजा के ऊपर इख्तियार उनका है, तो ये जो हमास के लोग थे, ये तरबियत कहाँ करते रहे? इन्होंने किस जगह पे जाके तरबियत की थी? वो जो फिजा से उतरे हैं, और मतलब जिस जदीद अंदाज के साथ गुरीला जंग को हम कई सालों से अफगानिस्तान, कश्मीर, फलस्तीन और इन इलाकों में देख रहे थे, लेकिन ये अजीब एक जंग का नया अंदाज था जो उन्होंने इख्तियार किया, तो ये कहीं ना कहीं तरबियत हुई है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये मुसलसल है कि हमेशा से हम देख रहे हैं कि ईरान को कॉर्नर करने के लिए, चीन को कॉर्नर करने के लिए, पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए, रूस को कॉर्नर करने के लिए, सब जितने भी अटेम्प्ट थे वो अमेरिका की तरफ से किए जाते थे। अभी देख ले, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सीपैक चाइना यहाँ से लपेट कर अफगानिस्तान जा चुका था, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात एकदम से फिर खराब होने की जानिब बढ़ रहे हैं। तो ये बेबुनियादी तौर पर कोशिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि चीन का रास्ता रोका जा सके सीपैक के हवाले से। ओ, तो क्या चीन खामोश बैठा है? क्या रूस खामोश बैठा है? अगर आप सिर्फ चीन के सदर का जो बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर अटैक किया गया ईरान पर तो हम समझेंगे कि ये हम पर अटैक किया गया है, रूस ये क्यों, सदर प्यूटन का कल का बयान है, वो ये कह रहा है कि अगर जमीनी हमला इसी तरह जारी रहा तो अमरीका या इसराइल ये मत समझे कि ये जंग जल्दी खत्म होने वाली है। तो हमास को आशीर्वाद तो है, हमास को जितनी हम असेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हम समझते हैं कि उनके पास ये सारे वसायल जिस तरह भी पहुंच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं चीन रूस शामिल है। तो ये प्लानिंग उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अरब ममालिक, सऊदी अरब, पाकिस्तान और सारे मुसलमानों को एक साइड पे रख के की गई है, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल अब देखने को आई है। आज अगर आप देखें जो वीडियो बयान जो ब्लादिमीर सॉरी नेतन्याहू ने दिया है, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि इसमें हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि जैसे कौम उसको कौम को तैयार किया जाता है कि भाई अब हमें भी लाशें उठानी पड़ेगी। तो ये वो सबब है जिस पर मुझे ये लगता है कि ये जंग तवील होगी, और तवील होने के साथ साथ इस जंग में इस दफा इसराइलियों का नुकसान होगा। उनकी ये खाम ख्याली है कि वो शायद इसमें अटैक करेंगे जमीनी और वो कामयाब हो जाएंगे, जमीन पर वो उतरे, उनको गली गली नगर नगर जो है वो मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा, और सहरा के अंदर उनकी जो सुरंगे हैं, वो पहले तो हम सुनते थे बारूदी सुरंगे हैं, अब वो नीचे जो टनल है वो टनल तो इनके लिए मौत का कुआं साबित हो रही है। तो मुश्किल हालात है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत से मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। अब देखना ये होगा कि जनरल सीसी इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, क्या जनरल सीसी
जिस तरह सुनने में ये आ रहा है कि आईएमएफ के कर्जों की माफी के हवाले से, और अमेरिकी अमेरिकन सदन ने भी जो रिफ्यूजीज होंगे गजा के की पट्टी के, उनको मिस्र में जगह देने के लिए जो है वो इमदाद जो है वो तलब कर ली है उसने अपनी जो है वो सेनेट से। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इस तरफ इशारा कर रही कि जंग तवील होगी। अब ये तवील जंग इसराइल के लिए कितनी शदीद होगी ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जी, हम देखते रहेंगे। अभी आखिरी इतलाक के हिसाब से जो वाहिदा है इसराइल, हमास और मिस्र का माहिदा हो गया है, और जो मिस्र है ना वो अपनी सरहद खोल रहा है, खास तौर पे इमरजेंसी जिन मरीजों को है जो बहुत जख्मी है उनके लिए, और जो गैर मुल्की फलस्तीनी वहां पे है उनके इनखला के लिए, और जरूरी सामान की रसद के लिए ये माहिदा हो गया है तीनों फरीकैन का। जी, बिल्कुल, मैं इसी वायदे की ही बात कर रहा था कि जनरल सीसी, ये तो है मंजर, मंजर ये है कि मरीजों के लिए बच्चों के लिए ये रास्ते खोले जाएंगे, लेकिन इसराइल और अमेरिका का क्या प्लान है? वो तो ये चाहते हैं कि ये सारे 20 लाख के 20 लाख अफराद जो हैं ये चले जाएं गजा की पट्टी से, और उन्हें आसानी हो सके कि वो आम गलियों में चौराहों में फिरें और उस इलाके को पट्टी को जो है वो कब्जा कर लें। अमेरिकन असल में चाहते ये है इस खत्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही रियासत पीछे बचे, और ये सारे 20 लाख जो फलस्तीनी है रिफ्यूजीज की शक्ल में मिस्र या दीगर ममालिक में चले जाए। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अब एक आम आदमी जो फलस्तीन का रिहायशी है वो कितनी देर बमबारी बर्दाश्त कर सकता है? हमास के जो जंगजू हैं वो तो लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, उन्होंने टनल में अपने लिए कुछ छुपने के लिए, बैठने के लिए, सब कुछ अपना बारूद तैयार करने के लिए, लड़ने के लिए एक महाज बना लिया हुआ है। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो मासूम बच्चों और जख्मियों और दीगर लोगों की मदद के नाम पर मिस्र की जो सरहद खोली जा रही है, क्या ये इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमदर्दी के तौर पे ये लोग चले जाएं? क्योंकि आप जरा गौर करें कि बार बार मिस्र में, फलस्तीन में इसराइल की तरफ से हॉस्पिटल्स को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अस्पतालों को जब आप निशाना बनाते हैं, इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपके मरीजों को भी यहाँ पर इलाज नहीं मिलेगा और आप जाए मिस्र में। ये आप समझे जरा कि बार बार जो हॉस्पिटल्स को टारगेट बनाया जाता था उसके पीछे वजह ही ये है कि ये इलाज के नाम पर फलस्तीनियों को वहां से निकालेंगे, और निकालने के लिए उनकी कोशिश ये है कि इस इलाके को मुकम्मल खाली करके जल्द या बदेर इस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा किया जाए। अब ये होगा या नहीं होगा ये अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं। मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा जितना ये समझ रहे हैं। बिल्कुल आशका, मेरे ख्याल से बात अभी तक की हालिया बात फलस्तीन पे यहीं खत्म करते हैं, इसके और पहलू निकलेंगे आगे बात चलेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूद फैल जाएंगे और ये मदीना के दरवाजे तक पहुंचेंगे, मदीना पाक में तो दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन बहरहाल ग्रेटर इसराइल तो बनेगा। दरियाए नील और दरियाए जो फरात है उसके दरमियान ये दो दरिया हैं, उनके झंडे पे जो दो निशान है नीले, दो दरिया हैं, और इन दो दरियाओं के दरमियान चूंकि इराक वो इलाका था जहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उन्होंने हिजरत की, बनी इसराइल ने, इनकी पूरी नस्ल ने हिजरत की नील मिस्र में जो है हजरत यूनस यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, और फिर मूसा वापस में यहाँ से जेरूशलम ले आए, यहाँ तक ये ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, एक दफा बन जाएगा, लेकिन बहरहाल आखिरी फतह तो चूंकि मुसलमानों की है, लेकिन चलिए, मुसलमानों पर जिहाद भी फर्ज है जो इस वक्त का हर बच्चा पुकार रहा है, समेत उस मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार हैं, बैलिस्टिक मिजाइल्स हैं जिनकी रेंज भी 4,000 किलोमीटर तक है, उस मुल्क को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, और हम उन्हें ख्याल करने की और शर्म दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। दोबारा आपसे बात होगी, अल्लाह हाफिज।